न्यूज़पेपर रीडिंग के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने अक्षर इंग्लिश एकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वरना ढेर सारी चीज़ें आप मिस करने वाले हैं। तो पहले हेडलाइन समझ लेते हैं। जंप इनटू मींस होता है कूदना, जंप मींस होता है कूदना। सो खमानो के जो एसडीएम हैं जंप्स इनटू, वो कूद गए, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं लेकिन इसका मतलब पास्ट में है, जंप्स इनटू कूद गए फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी में कूद गए, यानी एसडीएम जो खमानों के जो एसडीएम हैं वो बाढ़ के पानी में कूद गए। सेव्स बचा लिया, 26 ईयर ओल्ड एक 26 साल के एक लड़के को बचा लिया। पटियाला की न्यूज है, संजीव कुमार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम हैं, संजीव कुमार जो एसडीएम हैं खमानों के जो एसडीएम हैं इज बीइंग हेल्ड, हेल मींस होता है जय जयकार करना, इज बीइंग हेल्ड उनकी जय जयकार हो रही है एज अ हीरो, एक हीरो के तौर पर, एज अ हीरो के तौर पर एसडीएम की बीइंग हेल्ड जय जयकार हो रही है बाय पीपल, लोगों के द्वारा एसडीएम की जय जयकार हो रही है। आफ्टर अ वीडियो शोइंग एक वीडियो में दिखाया जा रहा है हिम, उनको यानी एसडीएम को दिखाया जा रहा है सेविंग बचाते हुए अ 26 ईयर ओल्ड यूथ, एक 26 साल के युवा लड़के को फ्रॉम फ्लड वाटर्स बाढ़ के पानी से एक लड़के को वीडियो में बचाते हुए देखा जा रहा है इन फतेहगढ़ साहिब जगह पर, वेंट वायरल जो वायरल हो गया ऑन सोशल मीडिया पर, रिपोर्ट्स इनकी रिपोर्ट है। इन द वीडियो, इस वीडियो में कुमार को देखा जाता है, इस वीडियो में जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, इस वीडियो में देखा जाता है स्विमिंग तैरते हुए एसडीएम को देखा जाता है इन द फ्लड वाटर्स बाढ़ के पानी में नियर गुरुद्वारा साहिब, इस जगह पे नाम है, इस जगह के पास एसडीएम को वीडियो में बाढ़ में के पानी में तैरते हुए देखा जाता है। टू रीच आउट पहुँचने के लिए तैरते हुए देखा जाता है टू द यंग मैन, एक युवा आदमी हु हैड क्लाइम्ड, जो चढ़ा हुआ था एक पोल पे चढ़ा हुआ था उसको बचाने के लिए एसडीएम बाढ़ के पानी में तैरते हुए उनको देखा गया। टू सेव हिज लाइफ, उनके जीवन को बचाने के लिए, एंड वॉच डिस्परेटली मीन्स होता है सख्त, बहुत जरूरी थी सीकिंग हेल्प, बहुत ज़्यादा मतलब उसको सख्त जरूरत थी मदद की, सीकिंग हेल्प मदद मांग रहा था, उसको सख्त मदद की जरूरत थी जिसकी वजह से एसडीएम पानी के बाढ़ के पानी में कूद गए और उसको बचाया। कुमार ने कहा दैट द इंसिडेंट, ये जो घटना है घटी थी ऑन मंडे को, मैंने सेवा की एज एसडीएम के तौर पर मैंने काम किया फतेहगढ़ साहिब जगह पर फॉर अ लंबे समय काम किया इस जगह पर। बिफोर बीइंग पोस्टेड होने से पहले मैंने इस जगह पर काम किया। टू खमानो जगह पर पोस्ट होने से पहले सब डिविजनल पर आई वाज आस्क, मुझसे कहा गया By my senior officials, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मुझसे कहा गया था to help out, की मदद करें, यहाँ के शासन में जो मदद करें इन द फतेहगढ़ साहिब डिवीजन में, यहाँ पर आकर के मदद करें उनसे कहा गया, जिसकी वजह से वो खमानों जगह पर आकर के उन्होंने अपनी सेवाएं देने लगे। यहाँ पर यही इनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे लिखा है बोथ द खमानो एंड फतेहगढ़ साहब और सब डिविजनल फतेहगढ़ साहब। सो द एरिया वेयर द मैन वॉज स्ट्रैंडेड, द एरिया जहाँ पर वो आदमी फंसा हुआ था, जहाँ पर वो आदमी पोल पे फंसा हुआ था, पानी में फंसा हुआ था, इज क्लोज टू, वो पास में है टू द डीसी ऑफिस के
पास में ही हैं। वी नोटिस, हमने नोटिस किया, द मैन क्लाइंबिंग, एक आदमी चढ़ा हुआ है, अ पोल, एक पोल के ऊपर चढ़ा हुआ है, द एरिया ऑफ अराउंड 500 meters, जो वो एरिया है वो लगभग 500 मीटर की है, लाइज बिटवीन इस जगह के बीच में वो एरिया पड़ती है, एंड आई नो द जियोग्राफी, मैं जानता हूँ द जियोग्राफी यानी यहाँ के भूगोल के बारे में, ऑफ दिस एरिया वेरी वेल, इस एरिया के बारे में मुझे अच्छे से पता है। ही रिकॉल्ड, उन्होंने रिकॉल करके ये सारी चीज़ें वेंसडे को बताया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, और दूसरों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको लगातार सिखाने की मैंने जिम्मेदारी ली है और हम लगातार आपको वीडियोज देते हैं, तो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दिया करिए, दूसरों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर भी करते रहना चाहिए।